हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का जो वीडियो है ये बाहर से मैंने स्टार्ट किया है। एक्चुअली बाहर घूमने फिरने आए हुए थे हम लोग और फैमिली टाइम स्पेंड करने, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज बाहर का वीडियो शूट कर लेती हूँ। एंड थोड़ा सा वीडियो बाहर का देखने को मिलेगा आपको और थोड़ा सा घर का वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि दो दिन का मिक्स व्लॉग है ये, आउटसाइड एंड इनसाइड का। सो यहाँ पे ये इस टाइप से ना ये आइसक्रीम, मतलब एक गेम सा खेलते हैं, आइसक्रीम देते हैं, काफ़ी सारी जगह होता है ये। और मुझे भी यहाँ पे दिखाई दिया मॉल में, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। बड़ा हंसी आती है ये सब देख के, तो बस वही थोड़ा सा क्लिप शूट किया था। और ये है दक्षु, दक्षु के पापा। और यहाँ पे ये ट्रेन राइड है, अंदर मॉल के अंदर ही चलती है, तो इसका प्राइस वगैरह पता कर रहे थे कि चलो दक्षु को हम इस पर बैठा देते हैं, बट थोड़ा सा हाई प्राइस था। बट फिर बाद में क्या हुआ कि दक्षु ना इसमें मतलब बैठता नहीं है, ये इसको किसी भी राइड में बिठा दो ना अकेले नहीं बैठता, इसको हमेशा उसी राइड में जाना होता है जिसमें इसके मम्मी पापा साथ में होते हैं। सो फिर इसने तो कई बार हमारे पैसे बहुत वेस्ट किए हैं। हम जैसे फैमिली फेयर वगैरह में जाते थे तो इसको राइड में बैठना होता था, इसको दूर से देखने में अच्छा लगता था, बच्चे बैठते थे तो इसको कई बार बिठाया है, क्योंकि टिकट वगैरह वहाँ पे पहले लेनी पड़ती है तो वेस्ट हो जाती थी हमारी, बाद में फिर ये रोने लग जाता था अकेला। सो बस यहीं पर हम घूम रहे थे मॉल के अंदर, ये ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की हमने बहुत सारी, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक एक करके मैं शेयर करूँगी। सो और यहाँ पर दक्षु को एक छोटी सी शॉप मिल गई और वहाँ पे इसकी फेवरेट फेवरेट चीज़ें पड़ी हुई थी, लॉलीपॉप वगैरह जो ये टीवीज़ में देखता है। सो ये वाली लॉलीपॉप इसको बहुत पसंद है, सो इसका मन इतना ललचा रहा था यहाँ पे, ये वाली नहीं लेनी, ये लेनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को हाथ मारने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ दिला दो। फिर फाइनली इसको ये वाली लॉलीपॉप पसंद आई तो इसको ये वाली दिला दी थी। पहले इसने ब्लू वाली उठाई, फिर इसने पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उठाई, बहुत ही अट्रैक्टिव सी चीज़ें होती हैं, ऐसी क्यूट सी शॉप लगी होती है मॉल्स के अंदर, तो फिर फाइनली इसको वहाँ से एक लॉलीपॉप दिलवा के फिर हम आगे ले गए थे। सो उसके बाद फिर हम गए थे मैकडी, मैकडी में सोचा था हमने कि चलो कुछ खा पी के आएंगे एंड देन फिर उसके बाद हम आगे घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि मेरी एक्चुअली सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, ये हैं जो दक्षु के पापा के साथ बात कर रही हैं। सो मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो फिर इसको घुमाने के लिए आए थे हम, तो हमारी भी मतलब एक फैमिली टाइम स्पेंड हो गया, आउटिंग हो गई। और फिर अभी हम आ गए थे मैकडी में और ये देखिए दक्षु ने अपनी लॉलीपॉप थोड़ी सी छोड़ दी थी, फिर मैंने इसको एंड में फिनिश किया। काफ़ी हैवी सा इसका टेस्ट था और काफ़ी बड़ी भी थी, तो बोल रहा मम्मा टमी फुल हो गई, मैंने कहा लाओ फिर मेरी खाली है मुझे दे दो। सो बस यहाँ पे मैकडी में बैठे हैं अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं एंड खा पी के उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। प्लान कर रहे थे कि चलो कहाँ कहाँ जाना है घूमने, क्योंकि सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो फिर सोचा था कि चलो उसको कहीं घुमा के लाएंगे, कहीं अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, तो ऐसे तो बाहर निकला नहीं जाता, तो चलो ये आ गई थी तो फिर इसके बहाने से हम भी आ गए थे बाहर घूमने फिरने। और दक्षु बैठा हुआ है यहाँ पे मस्ती कर रहा है। इसके लिए ना जब भी मैकडी से हम कुछ ऑर्डर करते हैं ना, यहाँ पे खाने आते हैं या फिर घर पे मैकडी का ऑर्डर मंगवाते हैं, तो इसको इसके लिए हमेशा स्पेशली मैं मैक पफ ज़रूर मंगवाती हूँ, क्योंकि बर्गर और चीज़ों से ज़्यादा इसका मतलब मैक पफ इसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो बहुत टेस्टी लगता है इसको। सो बस उसके बाद फिर हमने डेजर्ट में आइसक्रीम वगैरह ले ली थी, ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। रेड वाली अच्छी है दक्षु, ब्लू वाली जाना। कितने राउंड? पांच राउंड। तो जी यहाँ पे दक्षु कार राइड कर रहा है, आप देख सकते हो ये वाली कार्स दक्षु को बहुत पसंद है, फेवरेट कार्स हैं दक्षु की। बट इसने यहाँ भी वही काम किया जो मैंने अभी आपको बताया, ये राइड्स में बैठ तो जाता है बट इसको ना बहुत जल्दी से निकलना होता है, उठना होता है। इसमें तो ये फिर भी एक दो राउंड के लिए बैठ गया था, बट ये कभी अकेला बैठता नहीं है,
पहले तो इसको देखने में बड़ा अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है कि मैं घूमूं फिरूं। ये देखिए यहाँ पे इसने खुद ही डोर खोल दिया कार का और अपने आप ही उतर के आ गया। बस इसको इतना ही घूमना होता है। और इसके साथ अगर मैं या दक्षु के पापा, मतलब इसके पापा बैठे होते हैं हम किसी भी राइड में, जो कि मतलब बच्चों और बड़ों की मिक्स राइड होती है, तो उसमें बड़े आराम से हमारे साथ बैठता और फुल एंजॉय करता, बहुत मज़े से बैठता है। सो इसको रेड वाली कार पसंद आ गई थी, मैंने बोला इसमें बैठ जाओ, बट इसमें भी नहीं बैठा, तो इस टाइप से ये पैसे वेस्ट कर देता है। तो फिर बस यहाँ पे घूम फिर के हम एंड में निकल गए थे। सो अभी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे ये वाली जो स्टेयर्स है ना, इसको भी ये राइड समझ रहा था, ये सोच रहा था कि ये भी कोई राइड है। फिर मैंने इसको बताया कि ये स्टेयर्स होती हैं दक्षु, तो फिर इसके पापा हंसने लगे, बोले कि ये वाली राइड जितनी मर्जी ले लो, ये फ्री की है। तो बस इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। एंड देन फिर हम घर की तरफ आ ही रहे थे, तो फिर हमने रास्ते में देखा अपने घर के थोड़ी सी दूर पे ही इस टाइप का एक फैमिली फेयर लगा हुआ था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो झूले वगैरह खा के चलते हैं आराम से। और बड़ा अच्छा सा था लगा हुआ यहाँ पे मेला जिसको बोलते हैं, बहुत फैमिलीज आई हुई थी, बहुत ही अच्छा था। हमने पहले अंदर एंटर करके देखा, मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने, कि चलो अंदर जाके देखते हैं, अगर साफ़ सुथरा माहौल हुआ तो ही जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अच्छा सा माहौल नहीं होता है ऐसे रात के जो मेले वगैरह होते हैं। बट अच्छा था, फैमिलीज़ वगैरह बहुत आई हुई थी, बच्चों को लेके आए हुए थे लोग, तो हमने सोचा कि चलो हम भी चलते हैं। तो बड़ा अच्छा था और ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, खुला खुला था। तो फिर हमने आते ये वाली राइड ली और देखिए आप दक्षु कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। सो इस टाइप की जो ड्रैगन ट्रेन और ये वाली राइड्स होती है ना, जो जिसमें मतलब बच्चों को लेके फैमिलीज बैठ सकती हैं, तो ऐसी राइड ये पसंद करता है जिसमें इसको ये लगता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ बैठे हैं। सो फिर सबसे पहले हमने इसी राइड को एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और कोई और तो था नहीं मेरी वीडियो शूट करने वाला, तो फिर मैंने बैक कैमरा से वाइड एंगल करके ही अपने आप ही शूट कर लिया कि चलो कुछ तो क्लिप शूट होंगे एंड मेमोरी क्रिएट होगी। तो इसी बहाने से सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो चलो हमने सोचा कि एक उसका भी मोमेंट हमारे साथ कैप्चर हो जाएंगे। सो एक ये वाली जो राइड होती है, ड्रैगन राइड बोलते आई थिंक इसको, बहुत ऊपर नीचे जाती है ये, सो बोट टाइप की जो होती है। सो इसमें मेरा मन तो था जाने का, बट इसको देख के इतनी घबराहट हो रही थी, मैं ना डर गई थी बिल्कुल ही। बाद में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को नहीं जाना। वैसे मैं इसमें बहुत बार बैठी हूँ, बट मुझे ये होता है दक्षु के पापा अगर साथ में होंगे तभी जाऊँगी। ये तो चले गए थे, बट इनकी हालत भी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ था वो, फिर ये अकेले ही गए थे। देन उसके बाद फिर हम आ गए थे ये वाला डिस्को राइड करके, शायद इसका नाम है डिस्को डांसर राइड, आई थिंक ऐसे कुछ नाम है। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ इसमें आ गए थे, वो दक्षु के पापा बैठे हुए खड़े हैं बाहर, हमारा वेट कर रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो इस वाली राइड के बाद फिर हम किसी और राइड में जाएंगे। एंड इसमें भी बहुत मज़ा आया था, बहुत एंजॉय किया हम दोनों ने। सो पहले तो हम घबरा रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि ये बहुत तेज़ चलता है, एकदम से बड़ी तेज़ चलता है। तो एक एक्साइटमेंट भी हो रही थी और एक घबराहट सी भी हो रही थी अंदर, बड़ी एंग्जाइटी हो रही थी कि पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। सो पहले तो मैं काफ़ी टाइम पहले झूली थी मैं इन सारी राइड्स में, बट अब पता नहीं क्यों मन ना बड़ा दिल कमज़ोर सा हो गया, अब डर लगता है। सो फिर ये एक क्लिप शूट कर लिया था छोटा सा दक्षु के पापा ने बाहर से अपने फ़ोन से, सो इसीलिए इसकी क्लैरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा इस क्लिप की। वैसे मैंने पूरा ब्लॉग जो है वो आईफोन से शूट किया था, बट एक दो क्लिप्स थी जो दक्षु के पापा ने अपने फ़ोन से शूट की थी। सो लास्ट में फिर हमने ये वाली राइड ली दक्षु के पापा ने और मैंने, क्योंकि हम दोनों ने एक साथ कोई राइड नहीं ली थी। तो मेरा मन किया कि चलो एक ऐसी राइड में जाएंगे जिसमें हम दोनों साथ में हो। पिंक वाला क्या, ट्राइपॉड? पिंक वाला ट्राइपॉड दे दो। टूट गया वो, कहाँ है मुझे क्या पता। पता है। अब आप बैग टांग के कहाँ जा रहे हो रात को? मैं ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जा रहे हो? अच्छा, हेलो गाइस, आगे कुछ बात करो। ये क्या होता है? चलो जाओ ऑफिस जाओ, मैं काम कर लूँ अपना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल।
सो गाइस पीछे का क्लिप आपने देख ही लिया है, वो कल का क्लिप है एक्चुअली। वो क्लिप ऐसी सो कल दक्षु की बुआ आई हुई थी। दक्षु बुआ कहाँ है आपकी? हाउस। कौन से हाउस? पापा या हाउस। पापा वाला हाउस तो ये है। पापा वाले हाउस में तो मम्मा है, दक्षु है। बुआ अपने हाउस गई? दक्षु ने बुआ के साथ कितना सारा खेल लेते आप? सारा खेल लेते। मैं स्कूल गया था। स्कूल कौन गए थे? आज छुट्टी कर ली दक्षु ने, कल जाएगा स्कूल। सो गाइज एक्चुअली कल बहुत सारा हमने एंजॉय किया, घूमे फिरे, फैमिली टाइम स्पेंड किया। और सिस्टर इन लॉ आई हुई थी मेरी, दक्षु की बुआ, मेरे हस्बैंड के मामा जी की बेटी है वो। और कल पूरा दिन रहे, घूमे फिरे, बहुत मस्ती की। और आज फिर आफ्टरनून में फिर वो चली गई थी। बहुत ज़्यादा तो उसके साथ मैं शूट नहीं कर पाई, बट हाँ थोड़ा बहुत शूट किया है। आज फिर सुबह से काम में लगी हुई हूँ आफ्टरनून में, मतलब सुबह से क्या आ गया, 10-11 बजे तो हम सो के ही उठते हैं, क्योंकि दक्षु की हॉलीडेज़ चल रहे थे। और कल से दक्षु स्कूल जाएगा, तो वही ट्रैक पे, उसी रूटीन पे हमारी लाइफ फिर से दोबारा आ जाएगी। बहुत दिन से दक्षु की छुट्टियां पड़ी हुई थी, आई थिंक 1 वीक की छुट्टियां ही इसको मिल गई थी दिवाली की, जो हॉलीडेज थी। बैक टू बैक काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो फिर इकट्ठी छुट्टियां इसको मिल गई थी। तो फिर कल से, अब आज से जाना था वैसे तो स्कूल, आज 31st है, बट इसको मैंने सोचा कि चलो कल से ही भेजूंगी, क्योंकि आज इसकी बुआ को भी जाना था। फिर ये अगर स्कूल चला जाता तो फिर ये अपनी बुआ के साथ एंजॉय नहीं कर पाता। मैंने सोचा चलो वो भी चली जाएगी आफ्टरनून में, तो इसको भी मैं कल से स्कूल भेजूंगी। फर्स्ट है कल, 1st of November। हाँ मम्मा क्या मम्मा इत्थे बैठ। सो कल से फिर हमारा वही रूटीन, वही ट्रैक पे हमारी गाड़ी आ जाएगी। गंदे काम नहीं करने, गंदे काम तो बस। फिर उनके जाने के बाद हस्बैंड को भी काम पे जाना था, तो फिर वो उसको ड्रॉप करके फिर उसके बाद अपने काम पे चले गए थे, निकल गए थे। एंड उसको लॉक करो, देखो ये काम है, जब चाबी बीच में ही छोड़ दो ना ड्रेसिंग टेबल की, तो फिर इसके ये हरकतें शुरू हो जाती हैं। बस फिर आज काम वाम में ऐसे ही दिन निकल गया। और अभी दक्षु को ना, मैं दक्षु की तैयारी कर रही थी, और इसका थोड़ा सा होमवर्क रहता है, वो इसको करवाऊंगी। अभी मैं होमवर्क करवाना है, और यूनिफॉर्म वगैरह इसकी सब रेडी है। और इसके लिए आलू वगैरह मैंने बॉयल करके रख दिए हैं, जो मॉर्निंग में इसको मतलब पराठा बना के देना है। सो सब प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, बस एक दो कपड़े थे फोल्ड करने वाले, वो करने लगी थी। और उसके बाद इसको थोड़ा सा होमवर्क रहता है, वो करवा के देन फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसमें मार्क लगा के दे दूं? मार्क लगा के दे दूं, फिर आप ऐसे अनार बनाना। ओके नहीं, इस पे खराब नहीं करना। सो गाइज दक्षु को एक्चुअली मैं लगी हूँ अभी होमवर्क करवाने, इसका थोड़ा सा होमवर्क रह रहा था छुट्टियों का। सो इसको ना ऐसे मार्किंग करके देनी होती है, फिर ऊपर ऊपर ये बना लेता है इसके। अभी 2-3 दिन से तो इसकी कोई स्टडी नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया इसने, तो आज इसको इसीलिए मैं पढ़ाने बैठी हूँ, क्योंकि कल जाना है इसने स्कूल। नहीं जाना। जाना है नहीं। स्कूल जाना है, अपने फ्रेंड से नहीं मिलना आपने? नहीं, आयुष, हर्ष और कौन कौन है?
बात नहीं करनी मम्मा से? मैंने तो बात करनी है दक्षु से। नहीं करना बात। मुझे आपसे बात कर। मैं बहुत गंदा करता था मैं। क्यों? ये वॉल नहीं है, वॉल ये वाली होती है, ये तो फ्लोर है। फ्लोर गंदा करता था मैं। क्यों? मैं टेंशन मारता ना। दक्षु का होमवर्क मैंने सारा करवा दिया है और इसने ना बीच में हस्बैंड का फोन आ गया था तो फोन पे मैं बात कर रही थी, बात करते करते इसने पूरा ये देखो पेंसिल उठाई। हाँ पापा का फोन, पेंसिल उठाई, ये देखो क्या किया इसने पूरे में। काफी सारा तो मैंने मिटा दिया है जब ये होमवर्क कर रहा था। ये देखो ये पूरा पेंसिल चला दी। जब मैं फोन पे बात करने लग जाती हूँ ना, इसको पूरा फुल मौका मिल जाता है अपने कारागिरी करने का। सो अभी इसको इरेज कर दूँ। ये इसकी पुरानी छोटी छोटी ना इरेजर पड़ी हुई थी, टूटी हुई, मैंने सोचा इसी को यूज में ले आती हूँ और इसको क्लीन करूँ यहाँ से। मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली ये जो पिंक कलर की लाइट्स है ना, दिवाली पे लेके आए थे दक्षु के पापा, दो लेके आए थे, एक ब्लू एक पिंक। ब्लू वाली तो बाहर लगा दी थी मैंने, फेयरी लाइट्स, और ये पिंक मुझे बहुत ही प्यारी लगी, बहुत खूबसूरत लगी। तो ये इसको ना मैंने बाहर नहीं लगाया, मैंने सोचा था इसको इस वाली ट्री पे लगाऊंगी। ये देखिए वहाँ ऊपर से मैंने इस टाइप से इनको लगाया। अभी रात हो चुकी है, डिनर की तैयारी करनी है मेरे को। सो कल तो बहुत मस्ती की, घूमे फिरे, और सिस्टर इन लॉ परसों आई थी तो फिर कल पूरा दिन रहे, परसों भी रात को बातें की। कल रात को हम 2-2.5 बजे सोए, बातें करते हुए, पुरानी बातें अपने उधर की, अपने गांव की सारी बातें शेयर की उसने। सो बड़ा मज़ा आया, घर पे ऐसे आना जाना लगा रहता है किसी का तो अच्छा लगता है, गेट टुगेदर हो जाता है। और ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई थी क्योंकि उनके जाने के बाद फिर मैं काम वाम में लग गई थी, एंड उसके बाद फिर अभी शाम हुई है तो फिर पहले सुबह से तो वीडियो एडिटिंग में लगी हुई हूँ मैं।
दो वीडियो एडिट करके रखी हैं मैंने, कल पोस्ट करूँगी मॉर्निंग में। दो दिन से क्योंकि मेरी वीडियो नहीं जा रही थी तो फिर मैंने सोचा फटाफट से पहले एडिटिंग का काम फिनिश करते हैं, देन फिर मैं घर का काम स्टार्ट करूँगी। तो फिर ये सारी चीज़ें की, और अभी सारे काम कंप्लीट हैं, बस अभी डिनर प्रिपेयर करना है मुझे। आटा वगैरह लगा के रख दिया था, रोटी बनाऊंगी, हस्बैंड आने वाले हैं, जल्दी आ जाएंगे। आज ही सुबह तो डोसा बनाया था मैंने, डोसा वगैरह खा के वो लोग चले गए थे, और अभी शाम के लिए शाही पनीर की सब्जी पड़ी हुई है, वही काम आ जाएगी, और साथ में थोड़ी सी एग भुर्जी बनाऊँगी क्योंकि आज मंडे है, बना सकते हैं एग। सो बस ज़्यादा कोई काम नहीं है अभी, यही काम है, और उसके बाद जब तक दक्षिण के पापा आ जाएंगे अगर टाइम रहा तो फिर बीच में रील्स वगैरह शूट करूँगी इंस्टाग्राम के लिए। तो चलिए गाइज, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंद्रजीत मिलूंगी आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।